प्रधानमंत्री ने G20 डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय की बैठक को किया संबोधित, कहा भारत में जनधन बैंक अकाउंट, आधार और मोबाइल से देश में आई आर्थिक क्रांति। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर जारी किया समन, आगामी 24 अगस्त को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय में उपस्थित होने को कहा। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन जांच में सभी 8 प्रत्याशियों के पर्चे वैध, नाम वापसी की आखिरी तारीख 31 अगस्त तक। और जामताड़ा स्टेशन पर हावड़ा प्रयागराज विभूति एक्सप्रेस और एर्नाकुलम पटना एक्सप्रेस का ठहराव शुरू, सांसद सुनील सोरेन और विधायक इरफान अंसारी ने ट्रेन को किया रवाना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजूषा भारद्वाज और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेंगलुरु में आयोजित G20 डिजिटल मंत्री स्तरीय समिति की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में जनधन बैंक अकाउंट, आधार और मोबाइल से देश में आर्थिक क्रांति आई है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट इज प्लगिंग लीकेजेस एंड हैज सेव्ड over $33 billion. The Cowin portal supported India's COVID vaccination drive. It helped in the delivery of over 2 billion vaccine doses along with digitally verifiable certificates. प्रधानमंत्री जनधन योजना ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस योजना के तहत खुले खातों की संख्या 50 करोड़ के पार कर गई है। पीएम जनधन योजना ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। योजना के तहत खुले खातों का संख्या 50 करोड़ के पार पहुंच गई है। खास बात यह है कि इसमें 56% अकाउंट्स महिलाओं के हैं और गरीबों के बैंकिंग सेवा से जोड़ने के लिए 2014 में लॉन्च की गई इस पहल के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। खोले गए खातों में से लगभग 67% अकाउंट्स गांव और छोटे कस्बों में खोले गए हैं। इन खातों में कुल जमा राशि 2.03 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार करने पर सोशल मीडिया पर ट्वीट कर कहा है कि यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वित्त मंत्रालय की ओर से जारी इस जानकारी को शेयर करते हुए कहा है कि यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये देखकर खुशी होती है कि इनमें से आधे से अधिक खाते हमारी नारी शक्ति के हैं। 67% खाते ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में खोले जाने के साथ साथ हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि वित्तीय समावेशन का लाभ हमारे देश के हर कोने तक पहुंचे। बेंगलुरु में आयोजित G20 देशों के आर्थिक डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक जारी है। बैठक खत्म होने के बाद एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक संपन्न होने के बाद एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा जिसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था की चुनौतियों और अवसरों पर समझौते के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस मीटिंग में G20 सदस्यों और आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की बैठक कल संपन्न हुई और मंत्री स्तरीय बैठक में विचार के लिए एक मसौदा तैयार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 22 तारीख से दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की 4 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करेंगे, जहां पर वो जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी की ये यात्रा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के निमंत्रण पर हो रही है। 2019 के बाद ये ऐसा पहला ब्रिक्स सम्मेलन है जो वर्चुअल माध्यम से आयोजित नहीं हो रहा है।
ये शिखर सम्मेलन समूह द्वारा शुरू की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा और भविष्य के कार्यक्षेत्रों की पहचान का अवसर देगा। पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के बाद आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रम ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस संवाद में भी भाग लेंगे। इसमें दक्षिण अफ्रीका द्वारा आमंत्रित अन्य देश भी शरीक होंगे। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जोहान्सबर्ग में मौजूद कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के बाद प्रधानमंत्री मोदी यूनान जाएंगे। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पिछले 40 वर्षों में यूनान की ये पहली यात्रा होगी। ये दौरा यूनान के पीएम के निमंत्रण पर हो रहा है। पीएम मोदी अपने यूनानी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी दोनों देशों के व्यापारिक नेताओं के साथ साथ यूनान में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ भी संवाद करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दूसरा समन जारी किया है। श्री सोरेन को राजधानी रांची स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में 24 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले ईडी ने मुख्यमंत्री को 8 अगस्त को समन भेजकर 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे थे। उन्होंने ईडी को पत्र भेजकर इस समन को गैरकानूनी बताते हुए वापस लेने को कहा था। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इन दिनों संकल्प यात्रा पर हैं। आज अपनी यात्रा के तीसरे दिन वे गोड्डा जिले के पत्थरगामा पौड़िया हाट में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल उन्होंने राजमहल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की हेमंत सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झामुमो और राजद ने मिलकर झारखंड को खोखला बना दिया है। श्री मरांडी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा भेजे जा रहे पैसों की राज्य में बंदरबांट हो रही है। बंद हो गई थी, बाजार बंद हो गया था, कारखाना बंद हो गया था। उस समय भी देश के प्रधानमंत्री ने चिंता की और आज भी देश के प्रधानमंत्री वो चिंता करते हैं कि गरीब को। गुजरात के गांधीनगर में G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आज आखिरी दिन है। डॉक्टर मनसुख मांडविया का संबोधन होगा और उसके बाद डिजिटल हेल्थ पर वैश्विक पहल लॉन्च की जाएगी। ये भारत के लिहाज से बेहद अहम है। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया का समापन सत्र का संबोधन होगा। इस मौके पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक भी मौजूद रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री वर्ल्ड बैंक के डिजिटल हेल्थ पर फ्लैगशिप रिपोर्ट भी जारी करेंगे और उसके बाद शाम 4:30 बजे ज्वाइंट फाइनेंस एंड हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग भी होगी, जिसमें सभी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भी हिस्सा ले रही हैं। इसके बाद डेलीगेट गांधी कुटीर भी देखने जाएंगे। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए कल नामांकन पत्रों की जांच की गई, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की बेबी देवी और आजसू पार्टी की यशोदा देवी समेत सभी 8 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र सही पाए गए। उम्मीदवार 21 अगस्त तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 5 सितंबर को मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 8 सितंबर को कराई जाएगी। पूर्वी सिंहभूम जिले के बारीडीह स्थित मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में एंटी रैगिंग वीक समापन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय प्रसाद मौजूद रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जमशेदपुर न्यायालय के जिला जज अनिल कुमार मिश्रा, उप विकास आयुक्त मनीष कुमार एवं CTSP के विजय शंकर भी उपस्थित थे। इस दौरान कॉलेज के ग्रुप प्रेसिडेंट सोमनाथ दास ने बताया कि कॉलेज की ओर से कोल्हान के लोगों को अच्छी चिकित्सीय सेवा देने का प्रयास किया जा रहा है। वीक में जो सीनियर बच्चे हैं उनको इन्वॉल्व किया गया, जिससे कि उनके अंदर ये भावना डेवलप हो कि हमें अपने जूनियर के साथ कॉर्डियल रिलेशन रखना है, उनसे बराबर का सामंजस्य स्थापित करके रखना है, न कि हम उनको प्रताड़ित करें, फिजिकली टॉर्चर करें, इस तरीके की दुर्भावना उनके अंदर डेवलप न होने दें, इसलिए हम लोगों ने एंटी रैगिंग वीक मनाया।
केंद्र सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के अपर सचिव सुनील कुमार वनवाल ने केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां सीयूजे, आईआईएम रांची और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधिकारियों के साथ बैठक में केंद्रीय संस्थानों के अस्थायी कैंपस के निर्माण की स्थिति, नियुक्ति प्रक्रिया, नई शिक्षा को प्रभावी तरीके से लागू करने समेत कई विषयों की विस्तार से समीक्षा कर कई आवश्यक निर्देश दिए। खूंटी जिले की अड़की थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 लुटेरों को हथियार और गोली के साथ गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ अमित कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि अड़की के जारंगा क्षेत्र में किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के मकसद से अपराधियों का जमावड़ा होने वाला है। इसी सूचना पर जारंगा घाटी के पास संदिग्ध अवस्था में एकत्रित 3 व्यक्तियों को पुलिस ने रोककर पूछताछ किया। पूछताछ के क्रम में पुलिस ने उनके पास से एक देशी कार्बाइन, एक देशी पिस्टल, एक गोली, 47,000 रुपए नकद, एक बाइक और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। ग्रामीणों द्वारा जो रोका गया था तो वहां पर भी गोली चलाई गई थी जिससे एक व्यक्ति जख्मी हो गए थे जिन्हें जो अभी तक इलाजरत है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर की अध्यक्षता में कल जल छाजन योजना की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी, झारखंड राज्य जल छाजन मिशन के सभी जिलों के जिला तकनीकी विशेषज्ञ, डब्ल्यूसीडीसी एवं सभी परियोजनाओं के अध्यक्ष, सचिव डब्ल्यूडीटी इंजीनियर के साथ परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। जामताड़ा स्टेशन पर हावड़ा प्रयागराज विभूति एक्सप्रेस एवं एनारकुलम पटना एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव शुरू हो गया है। इसको लेकर आयोजित कार्यक्रम में सांसद सुनील सोरेन, स्थानीय विधायक इरफान अंसारी समेत अन्य लोग मौजूद थे। मौके पर सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि आज का दिन जामताड़ा वासियों के लिए सौभाग्य का दिन है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एवं रेल मंत्री की पहल पर जामताड़ा रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत विकसित किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज जामताड़ा जैसा जगह पर नौ ट्रेन देने का काम है। इन महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव से जामताड़ा वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। जिले वासियों को चिकित्सा एवं व्यापार के उद्देश्य से विभिन्न महत्वपूर्ण शहरों तक आने जाने में अब सुविधा होगी। विभूति एक्सप्रेस का ठहराव जामताड़ा में हुआ है, इससे जामताड़ा वासियों को बहुत राहत मिलेगी। लोगों को काफी कठिनाइयां करना पड़ता था, आसनसोल वगैरह जाना पड़ता था, चितरंजन जाना पड़ता था, जो कि अब ये सुविधा जामताड़ा में ही मिल गया। यह बहुत ही अच्छा काम है, इससे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। जामताड़ा रेलवे स्टेशन पर इन ट्रेनों के ठहराव से जामताड़ा वासियों को दक्षिण भारत के विभिन्न शहरों तक बिना किसी परेशानी की यात्रा करने में सुविधा होगी। इन दोनों ट्रेनों के ठहराव की शुरुआत को लेकर जामताड़ा स्टेशन परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्थानीय विधायक इरफान अंसारी एवं आसनसोल के DRM चेतनानंद सिंह भी मौजूद थे। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में इन दिनों मनसा पूजा पारंपरिक तरीके से मनाया जा रहा है। तमाड़, बुंडू और खूंटी में इस दौरान मां मनसा देवी की प्रतिमा स्थापित की गई। परंपरा के अनुसार दिन भर उपवास रखने के बाद श्रद्धालु नदियों, तालाबों और अन्य जलाशयों से जल लेकर मंदिर पहुंचे। वहीं कई श्रद्धालुओं ने परंपरा के अनुसार अपनी जीभ भी विधवाई। मां मनसा देवी के गीत पर सांपों का खेल प्रदर्शित किया गया। मनसा के लिए हम पर उठाते हैं, जापान करते हैं, हम जू में कटवा लेंगे। मैं संतराम पवराज हूँ। आज हरियाली तीज है। इस पर्व पर महिलाएं अपने पति की दीर्घायु जीवन की कामना करती हैं।
हरियाली तीज भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन का उत्सव है। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन आने वाला ये महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के सम्मान में मनाया जाता है। विवाहित हिंदू महिलाएं पूरे दिन उपवास करके मेहंदी लगाकर श्रृंगार करती हैं और अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। अविवाहित लड़कियां भी अच्छे वर के लिए व्रत रखती हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। लातेहार जिले के बालूबांध थाना क्षेत्र में कोयला कारोबारी सह भाजपा नेता राजेंद्र साहू की 14 अगस्त को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी टीपीसी उग्रवादी संगठन ने ली है। उत्तरी दक्षिणी सब जोनल कमेटी के कमांडर अभिषेक ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि 12 अगस्त को बालूबांध में टीपीसी संगठन द्वारा राजेंद्र साहू पर फौजी कार्रवाई की गई। रांची पुलिस ने चेन छीनने वाले गिरोह के 3 सदस्यों सहित एक सोनार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सदस्यों में मोहम्मद फहीम अंसारी, मोहम्मद नौशाद उर्फ मिस्टर, सोनार अजय वर्मा और सबनम परवीन उर्फ जोया शामिल हैं। इनके पास से 14 ग्राम सोना और एक बाइक बरामद किया गया है। खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र के बिचना गांव स्थित एक सुनसान बगीचे से फंदे से लटकता एक महिला का शव बरामद किया गया है। शव के समीप से पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। इसके बाद पुलिस ने महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में उसके पति मार्शल सोई होरो को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गोड्डा जिले के भगैना मनिकपुर ग्राम निवासी एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से गिरकर घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को गंभीर देखते हुए चिकित्सक ने उसे भागलपुर रेफर कर दिया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। रामगढ़ जिले के कोठार मध्य विद्यालय में NPPCF कार्यक्रम के तहत फ्लोरोसिस बीमारी से संबंधित कैंप का आयोजन किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर महालक्ष्मी प्रसाद के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर में 160 बच्चों की जांच की गई। मौके पर ही संदिग्ध बच्चों का यूरिन सैंपल की जांच की गई। दुमका जिले के नगर थाना क्षेत्र के कड़हल बिल स्थित अनुसूचित जनजातीय आवासीय बालिका उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य 2 शिक्षकों एवं रात्रि प्रहरी पर विद्यालय की छात्राओं को प्रताड़ित करने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने प्रधानाचार्य और रात्रि प्रहरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चतरा सदर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 458 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों तस्कर चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र के दारियातू गांव के रहने वाले हैं। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र स्थित बैंक से 1,40,000 रुपए निकालकर घर जा रहे दंपत्ति से बाइक सवार बदमाशों ने रुपए से भरा थैला छीन लिया। सूचना पर पहुंची नगर थाना पुलिस ने बैंक के CCTV फुटेज की जांच की। इसमें बैंक के भीतर चहलकदमी करता एक युवक दिख रहा था। पुलिस का मानना है कि बदमाशों ने रेकी कर घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस जाँच पड़ताल कर रही है। लोहरदगा जिले के किस्को थाना क्षेत्र अंतर्गत तीसिया डुमर टोली में खेत में काम कर रहे एक किसान की वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई। उसकी पहचान 42 वर्षीय राम उराव के रूप में की गई है। जमशेदपुर में आयोजित 16वें ऑल इंडिया गोजूरियो कराटे चैंपियनशिप में रामगढ़ के नेपाल विश्वकर्मा ने दूसरा स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। पदक जीतकर रामगढ़ लौटने पर नेपाल विश्वकर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। गोड्डा के उपायुक्त और समाज कल्याण पदाधिकारी ने कल नशा मुक्त भारत अभियान जागरूकता रथ को रवाना किया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जागरूकता रथ का उद्देश्य जन जन तक नशा से होने वाली हानि के बारे में बताना एवं नशा मुक्ति का संदेश देना है।
पूर्वी सिंहभूम असंगठित कामगार यूनियन के बैनर तले कदवा स्थित स्पेशल स्कूल ऑफ जॉय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता शामिल हुई। उन्होंने यूनियन के इस प्रयास की सराहना की। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि व्यक्तिगत के साथ ही सरकार के स्तर से भी जो कुछ मदद की जरूरत होगी वो इस संस्था को दिलवाने का प्रयास करेंगी। ये वाकई बहुत ही तारीफ की बात है और मैं बहुत भावुक हुई हूँ इधर आके, और मैं इसके लिए मैं मंत्री जी से विशेष बात करूंगी। जो भी मदद होगा सरकार की तरफ से या मंत्री जी की तरफ से उनको मदद दिलाऊंगी, और मैं विशेष भी इनकी कुछ जो भी मदद होगी मैं करूंगी। मैं हर महीना दो महीना में आऊंगी, खुद पर्सनली विजिट करूंगी। जो भी इनकी परेशानी है उस परेशानी को मैं दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज भी सवेरे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। राज्य में पिछले 36 घंटे के दौरान कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई, जबकि कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज भी राज्य के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल की ओर से कल एवरेस्ट समिट का आयोजन किया गया है। राजधानी रांची स्थित सीसीएल मुख्यालय में आयोजित होने वाले इस समिट में कोल इंडिया के अध्यक्ष पीएम प्रसाद और सीसीएल के सीएमडी बी वीरा रेड्डी समेत एवरेस्ट फतेह करने वाले 15 भारतीय पर्वतारोही शामिल होंगे। 39वीं सब जूनियर और 39वीं जूनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप में कल झारखंड के राणा प्रताप ने 200 मीटर बेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले यह रिकॉर्ड स्वदेश मंडल के नाम दर्ज था। 25 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल में तैयारियों में झारखंड महिला हॉकी टीम जुट गई है। रांची के बरियातू हॉकी स्कूल में आयोजित चयन प्रक्रिया में 35 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। एक सप्ताह बाद चयनित खिलाड़ी का विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। हंगरी के बूटापेस्ट में आज से विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू होगा। 27 अगस्त तक चलने वाले इस चैंपियनशिप में भारतीय टीम का नेतृत्व नीरज चोपड़ा करेंगे। सत्ताईस अगस्त तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में दुनिया भर के खिलाड़ी पदक के लिए स्पर्धा करते नजर आएंगे। भारत की तरफ से इस बार नीरज चोपड़ा और अविनाश साबले समेत कुल 27 भारतीय एथलीट अपनी दावेदारी पेश करेंगे। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। नीरज विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीत चुके हैं। ऐसे में इस चैंपियनशिप में उनकी नजर स्वर्ण पदक जीतने पर होगी। डबलिन में कल तीन T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने आयरलैंड को डकवर्थ लुइस नियम के अनुसार 2 रन से हराकर 1-0 की बढ़त ले ली है। शुरुआत की डबलिन में खेले गए मैच में भारत ने आयरलैंड को डकवर्थ एंड लुइस नियम के तहत 2 रन से हरा दिया। 140 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने जब 2 विकेट पर 47 रन बनाए थे तभी बारिश आ गई। बारिश के कारण आगे का खेल संभव नहीं हो पाया और भारत को विनर घोषित कर दिया गया। और अब सेहत की बात। होम्योपैथी एक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है जो किसी भी रोगी का मानसिक, शारीरिक व भावनात्मक स्तर पर उपचार करती है, साथ ही बीमारी से लड़ने के लिए रोगी की शारीरिक क्षमता को भी बढ़ाती है। होम्योपैथी कठिन से कठिन रोगों का इलाज करने में सक्षम है, खास तौर पर एलर्जी और जीवन शैली से संबंधित रोगों के इलाज में होम्योपैथी चिकित्सा काफी लाभदायक है। होम्योपैथी में उपचार शुरू करने से पहले रोगी की पूरी जानकारी ली जाती है। होम्योपैथिक दवाओं का 70% भाग पौधों से लिया जाता है। होम्योपैथिक दवाएं हानि रहित होती हैं, इन्हें लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होते,
फिर भी इन दवाओं का सेवन विशेषज्ञ की सलाह अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथी में अलग अलग रोगी के लिए अलग दवा हो सकती है। साथ ही ये कई बातों पर निर्भर करता है, जिसका निर्धारण होम्योपैथिक विशेषज्ञ द्वारा ही किया जा सकता है। होम्योपैथी दवाई लेने पर विशेषज्ञ द्वारा कुछ परहेज बताए जाते हैं जिनका पालन करना चाहिए। होम्योपैथी एक प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति है जो इलाज में काफी असरदार है। होम्योपैथी स्वस्थ जीवन का सरल और प्रभावशाली विकल्प है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। योग सूत्र में देखते हैं स्वस्थ रहने के लिए योग मंत्र। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। अगर आप नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं तो आप गर्मियों में भी ठंडक का एहसास ले सकते हैं, और आपको हर वक्त एसी में बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसी ने हमारे शरीर की कर दी ऐसी की तैसी। तो अपने आप को एसी कमरों से बाहर निकालिए, प्रकृति के सानिध्य में समय बिताइए और नियमित रूप से कीजिए शीतकारी प्राणायाम। यथा नाम तथा गुणा, इसका नाम ही बता रहा है इसके गुण। शीतकारी, जो हमें शीतलता देता है, जो हमें ठंडक देता है, और शीतकारी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारी पित्त से जुड़ी हुई, गर्मी से जुड़ी हुई समस्याओं का तो समाधान है ही, पर उसी के साथ साथ अगर आपके दांत कमजोर हैं, आपके गम्स कमजोर हैं, आपको दांतों से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है, तो भी शीतकारी प्राणायाम बहुत बहुत लाभकारी है। कैसे करते हैं शीतकारी प्राणायाम? शीतकारी प्राणायाम के लिए सबसे पहले हम अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेते हैं, यानी कि अपनी पहली उंगली के टिप को अपनी अंगूठे के टिप से छू देना, बाकी की तीन उंगलियां बिल्कुल सीधी रहेंगी। इस अवस्था में अपने हाथों को ला करके हाथों को अपने घुटनों पर टिका देते हैं, इस ही मुद्रा को अपने घुटनों पर टिका देना। और जब आप घुटनों पर टिकाएंगे तो हथेलियां आकाश की ओर खुली रहेंगी, धरती की ओर नहीं रहेंगी, ये महत्वपूर्ण है। इस अवस्था में बैठना और फिर अपने दोनों ऊपर और नीचे के दांतों को मिला लेना इस प्रकार से, इस अवस्था में आ जाएंगे। अब ये जो आपने दांत मिलाए हैं, इन्हीं के अंदर से सांस भरना है। नाक से नहीं सांस लेंगे, मुंह से लेंगे और यहां आकर इससे सांस को भरेंगे। जब आप यहां से सांस को भरेंगे तो आपको अपने दांतों के आसपास एक कूलिंग सेंसेशन अनुभव होगा, उस पर हमें पूरा ध्यान टिका देना है और फिर मुंह को बंद करके नाक से सांस छोड़ देना है। एक बार देखिए कैसे इसको करना है। आंखें बंद, ऐसा आप 5 बार दोहराएं। एकदम से आंख नहीं खोलेंगे, थोड़ी देर बंद आंखों के साथ रहेंगे और फिर धीरे धीरे से आंखें खोल देंगे। शीतकारी प्राणायाम का नियमित अभ्यास हमारे दांतों को स्वस्थ करता है और इसका नाम है शीतकारी। तो सी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने G20 डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय की बैठक को किया संबोधित, कहा भारत में जनधन बैंक अकाउंट, आधार और मोबाइल से देश में आई आर्थिक क्रांति। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर जारी किया समन, आगामी 24 अगस्त को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय में उपस्थित होने को कहा। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन जांच में सभी 8 प्रत्याशियों के पर्चे वैध, नाम वापसी की आखिरी तारीख 31 अगस्त तक। और जामताड़ा स्टेशन पर हावड़ा प्रयागराज विभूति एक्सप्रेस और एर्नाकुलम पटना एक्सप्रेस का ठहराव शुरू, सांसद सुनील सोरेन और विधायक इरफान अंसारी ने ट्रेन को किया रवाना।